अब नहीं डराएंगी बुलेट गाड़ियां। अमैया पुलिस, सिविल लाइन पुलिस और यातायात पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करके 50 से ज्यादा साइलेंसर जब्त किए। पुलिस की यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तेज गति से बुलेट चलाने वाले, उसमें भी तरह तरह की आवाज निकालने वाले साइलेंसर के द्वारा मॉडिफाइड करके लगवाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ रीवा पुलिस का सख्त रवैया हुआ प्रारंभ। पुलिस ने अभियान चलाकर चालकों पर नहीं दुकानदारों पर की कार्रवाई। 50 से ज्यादा साइलेंसर पुलिस ने जब्त किए। पुलिस का कहना है, डरावनी आवाज, तेज गति वाली आवाज, गोली जैसी आवाज, विभिन्न तरीके की आवाज वाले साइलेंसर लगाकर जब बुलेट चलाने वाला किसी व्यक्ति के बगल से निकलता है तो वह व्यक्ति डर जाता है। पुलिस चाहती है ऐसा कोई काम ना हो, सड़क पर कोई भी आदमी आराम से चल सके। ऐसे साइलेंसर लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ वह कड़ी कार्रवाई करेगी। फिलहाल उसने इन वाहनों तक यह साइलेंसर पहुंचाने वाले दुकानदारों पर नकेल कसने की तैयारी के दौरान 50 से ज़्यादा मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए हैं। पुलिस का मानना है, जब इस तरीके के साइलेंसर वाहन चालकों के नहीं मिलेंगे तो वो अपनी गाड़ी में नहीं लगाएंगे। अगर गाड़ी में लगाए पाए गए तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सड़कों पर है, लगातार वाहनों को चेक कर रही है। इस दौरान उसकी नज़र मॉडिफाइड साइलेंसरों पर भी रहेगी, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले को लेकर हमने सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेन नाथ शर्मा से बात की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। वाहन चेकिंग के दौरान प्रायः देखा जाता है कि कुछ गाड़ियों में ऐसे डरावनी आवाज़ वाले, गोली जैसे चलने वाली आवाज़ वाले या कुछ बनावटी आवाज़ वाले, तेज ध्वनि वाले साइलेंसर लोगों द्वारा बुलेट में और अन्य वाहनों में उपयोग किए जाते हैं। यातायात पुलिस द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थानों की पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग कर इनको समझाइश दी गई कि इस तरह के साइलेंसर उपयोग न करें। लगातार कार्रवाई के बाद भी इन पर रोक उतनी अच्छे से नहीं लग पाई जितना चाहिए। आज वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस द्वारा, सिविल लाइन पुलिस द्वारा और अमहिया पुलिस द्वारा एक अभियान चला करके लगभग 50 से 60 नग इस तरह के मॉडिफाइड साइलेंसर कब्जे में लिए गए हैं। इनसे ट्रेड के संबंध में लाइसेंस की मांग की गई है कि इनके विक्रय या क्रय के संबंध में यदि आपके पास कोई वैधानिक दस्तावेजों प्रस्तुत करें, इनको अवसर दिया गया है। यदि इनके द्वारा इस संबंध में कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं तो इनको उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। इन साइलेंसरों को जब्त कर लिया गया है और इसकी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कौन से मोटरसाइकिल में लगाते थे? ये जनरली बुलेट में ज़्यादातर यूज़ होता है। साइलेंसर कहाँ से लाते हैं, इस संबंध में इनसे दस्तावेज मांगे गए हैं, अभी जांच की जा रही है। और भी ऐसे लोग जो शहर में इस तरह के मॉडिफाइड साइलेंसर की बिक्री कर रहे हैं उनकी पतारसी की जा रही है, जल्द ही उन पर भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो वाहन चलाते हैं साइलेंसर लगा रहे थे उनके ऊपर भी जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत है उसमें कार्रवाई करते हैं, उनके साइलेंसर्स को निकलवा के मॉडिफाइड साइलेंसर जो वैधानिक साइलेंसर हैं निर्देशानुसार नियमानुसार हैं उनको लगाने के लिए उनको समझाइश दी जाती है।